सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे डरती है। अन्नदाता किसान मजदूरों का प्रधान सभा मार जिला पार, वो किसान मजदूर भाई बहनों विधानसभा को घेरो, कर्ज माफी के सवाल पर विधानसभा को घेरो, गरीबों के आवास के सवाल पर विधानसभा को घेरो। साथियों से अपील है कि आर्मी के एम्बुलेंस को जाने दे, साथी जो आगे खड़े हैं वो आर्मी एम्बुलेंस के स्कॉट करते हुए उनको आगे चले जाते नहीं दिखे। अरंग कलाप जिंदा खून से बात थोड़ी होगा, मजदूर किसान एकता जिंदा पर, मजदूर किसानों का विधान मार मैं कैसे आपसे बात करें, बात नहीं हो पा रही है ना। मजदूर किसानों का विधान डाक बांगला चौराहा हम लोग पहुंचना है, कैसे पहुंची आप देख लीजिए। अरे कर्ज माफ करना होगा, गरीबों को जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे कॉर्पोरेट की दलाली बंद करो, बंद करो। अडानी अंबानी की दलाली बंद करो, बंद करो। अरे देश को अडानी अंबानी के हाथों में गिरवी देना बंद करो, तो किसानों का कर्ज माफ करना होगा। साथियों से अपील है एम्बुलेंस को निकालिए, जो भी साथी आगे खड़े हैं वो एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, जो भी साथी आगे खड़े हैं वो आर्मी एम्बुलेंस को स्कॉर्ट करते हुए उनको बाहर निकाले। साथियों से अपील है एम्बुलेंस को बाहर निकालिए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। आज किसान और मजदूर अपने अधिकारों के सवाल पर विधानसभा मार्च कर रहे हैं, और इसी मजदूर किसानों के बेटे सेना पर बॉर्डर पर सीमा पर शहीद हो रहे हैं। आज पूरा देश हम शहीदों के साथ खड़ा है, किसान मजदूरों के साथ खड़ा है, जवानों के साथ खड़ा है, और ये देश मोदी नीतीश के खिलाफ खड़ा है। इसलिए साथियों कर्ज माफी के सवाल पर, देश को आजादी के सवाल पर आज विधानसभा का घेराव, ये विधानसभा घेराव मात्र आयोजित है, और तमाम लोग हम सब मजबूती से डटे रहेंगे और नीतीश सरकार से जवाब मांगेंगे, किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं, किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं, गरीबों को 10 फीस में जमीन क्यों नहीं, गरीबों की निकालिए, एम्बुलेंस को आगे कर दीजिए, गाड़ी को आगे जाने दीजिए। मेरा पीएम चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, गरीबों को बिना सैकड़ी रास्ता तो जान मार करो। एम्बुलेंस को जाने दीजिए, आगे जो साथी है आर्मी एम्बुलेंस को जाने दीजिए, एम्बुलेंस को आर्मी एम्बुलेंस को जाने दीजिए, जो भी साथी है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, मेरा प्रिय चोर है, गरीबों के बिना बिल्कुल व्यवस्था के उजाला बंद करो, बिना ब्लैंक सबक को घेरो, जोरदार नारा लगाइए साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, भूमि सुधार कानून लागू करो, अरे जिस जमीन पर हम बसे हैं, जो जमीन सरकारी है, साथी हम यहाँ रुकेंगे। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जो सरकार हमसे करती है पुलिस को आगे करती है, जो सरकार हमसे करती है पुलिस को आगे, जो सरकार हमसे करती है पुलिस को आगे। साथियों हम अनुशासित सिपाही के तरह ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर के तले आज हम लाखों किसान अपने सवाल को लेकर के हम बिहार विधानसभा जाना चाहते हैं, चूंकि लाखों
मुताबिक हम कहना चाहते हैं कि तीन साथी आज के इस मैथिली सभा की सदारत करेंगे। अध्यक्ष मंडली हमारी आज वे इस अध्यक्षता करेगी सभा के। इसके लिए हम बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के महासचिव जानकी पासवान, बिहार राज्य किसान सभा जमाल रोड के अध्यक्ष ललन चौधरी और बिहार ऑल इंडिया किसान महासभा के बिहार के अध्यक्ष साथी विशेश्वर जाधव जी का नाम प्रस्तावित करते हैं कि जो आज की सभा की सदारत करें। और उनसे निवेदन है कि वो गाड़ी पर आ जाए, गाड़ी के साथी गाड़ी को खाली कर दे। गाड़ी पर जो साथी खड़े हैं वो गाड़ी साथियों जो आप लोग हैं आप लोग बैठ जाए। हम लोगों का विधानसभा मार्च मंडली का भार संभाले। साथी ललन चौधरी जी, जानकी पासवान जी, बाकी साथी आप लोग पीछे हटिए, आने दीजिए। कॉमरेड आप भी पीछे हटिए, मीटिंग करने दीजिए, बाकी आने दे। विशेश्वर जी आए आने, खाली कीजिए, बाकी लोग खाली कीजिए, बाकी लोग खाली करें। आने दे बत्ता को, आने दे अध्यक्ष मंडली को, आने दे। कृपया बाकी लोग खाली कीजिए, अभी खाली कीजिए, खाली कीजिए, कृपया खाली करें, बाकी लोग खाली करें। साथियों आप लोग आज जो यहाँ विधानसभा मार्च के अंदर में किसान और मजदूर आप विधानसभा मार्च में यहाँ पहुँच गए हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग शांति से बैठ जाइए। हमारा जो मांग है, हम नीतीश कुमार और मोदी जी से आज जो किसानों का सवाल है, कर्ज माफी का सवाल है, अनुदान का सवाल है, खेत मजदूरों का 10-20 मिल का सवाल है, वैकल्पिक व्यवस्था के बिना उजाला दे रहा यह नीतीश कुमार आ गया है पटना के अंदर में। देख लो नीतीश कुमार, देख लो सुशील मोदी जी, देख लो नरेंद्र मोदी जी, किसान मजदूर आ गया है। आप आपको चैन से नहीं रहने देगा। आप अपना किसानों का सवाल, मजदूरों का सवाल लेके विधानसभा में भी गूंज रहा है। हमारे साथी विधान परिषद और विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं। आगे आज लड़ाई होगा। हम निवेदन करते हैं किसान सभा के जनता जनार्दन महामंत्री कॉमरेड अशोक जी आपको संबोधित करेंगे। सबसे पहले बोलिए बोलिए बोलिए, आज पूरा पटना के सड़क के लाल है। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन हम लोगों को गिरफ्तारी की घोषणा करती है तो हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। राजधानी पटना ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बन रहा है। कम से कम पटना की ऐतिहासिक धरती पर बिहार के कोने कोने से मजदूर और किसान अपने सवालों को लेकर के आज विधानसभा घेराव करने के लिए आए हैं। हम देख रहे हैं किसान कर्ज माफी को लेकर के स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को लागू कराने के लिए विधानसभा मार्च कर रहे हैं, तो मजदूर अपने अपने मान सम्मान, अपने मजदूरी रहने के लिए आवाज और खेती के लिए जमीन के लिए आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा पटना मजदूर किसानों से पटा पड़ा है। नीतीश कुमार, मोदी कान खोल कर सुन लो, मजदूर किसानों की आवाज को सुनना होगा, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध लो।
किसान नेता हम सब नहीं ठहरा सब एक बार बोलिए ना आप लोग किसान नेता है तमाम बोलिए किसानों का समर्थन करते हुए ना बोलिए अखिल भारतीय किसान दरअसल ये चल रहा है ये लाइव चल रहा है अखिल भारतीय किसान महा किसान नेता है आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं नंद किशोर शुक्ला अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त मंत्री नंद किशोर शुक्ला जो है अखिल भारतीय किसान महासभा किसान सभा के संयुक्त सचिव है किसान नेता है इनसे जानते हैं ये मार्च आप देख रहे हैं पूरा पटना के सड़क लाल श्रद्धांजलि एक मिनट का सामने रख करके झुका करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे तो हम अपने जवानों